के बारे में अपने डैड को सब कुछ बता दोगे
लॉस करवा देंगे, फिर वो हमारी किसी भी चीज में हेल्प नहीं करेगा। और बेटा तुम तो जानती हो कि कुछ महीनों बाद ताई की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसकी शादी होगी, तो तुम क्या चाहती हो कि हम जॉन फैमिली के सामने झुक जाएं? हाँ, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही ज्यादा रिच हैं, उनकी अरेंजमेंट की तो बात ही अलग होगी, लेकिन हम इतने सिंपल सी अरेंजमेंट करेंगे तो वो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि हम लोग इतने ज्यादा पुअर हैं कि अपनी बेटी की शादी में ऐसे अरेंजमेंट कर रखी है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसी के साथ रहो, जब तक तुम उसके साथ रहोगी वो हर चीज में हमारी हेल्प करेगा, और वो तो इतना रिच है ना, बस इसीलिए बोल रही हूँ। और ये सब जाने के बाद भी तुम अपने डैड को सब कुछ बताना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तुम्हारे डैड की इंसल्ट हो जाएगी, हमारा सर झुक जाएगा, ताई भी थोड़ा बहुत रो लेगी, उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रही, बिकॉज तुम भी मेरी बेटी हो और ताई भी मेरी बेटी है, तो दोनों के बारे में सोचना पड़ता है ना। तुम बता दो अपने डैड को जाकर। ओके बेटा, तो मैं अब नीचे जा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में ताई की एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। मुझे यकीन हो गया है, कहा था ना कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पता नहीं
सोचता हूँ तुझे
रहा सारे फासले मिटाना आ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना आ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम किसी दिन बनेगी हमारी कहानी।